भीम आर्मी जिला अध्यक्ष कमल सिंह वालिया के भाई सचिन वालिया मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर में डीआईजी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि देहात कोतवाली पुलिस व सर्विलांस की टीम द्वारा सचिन वालिया मर्डर केस में एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। डीआईजी ने जानकारी देते हुए बताया कि ये 8 लोग 9 मई को रामनगर में निहाल नामक युवक के घर पर इकट्ठा थे, जिसमें 2 युवक तमंचे को चेक कर रहे थे, जिसमें परवीन के हाथ से गोली चल गई, जिसमें सामने बैठे मृतक सचिन को जा लगी। वहीं जांच के दौरान निहाल के घर से पलंग और फर्श पर खून पड़ा था, जिसमें जांच टीम द्वारा पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद इस घटना का पर्दाफाश किया है। क्राइम स्टोरी के लिए सहारनपुर से संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। मई को सहारनपुर में सचिन वालिया, जो भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष कमल वालिया के छोटे भाई थे, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ मौत हो गई थी गोली लगने की वजह से, और जिसकी वजह से ये आरोप लगाया गया था कि इनकी हत्या कुछ अन्य लोगों द्वारा की गई है गोली चला करके। इस पूरी घटना की जांच क्षेत्राधिकारी नगर इंदु सिद्धार्थ द्वारा की गई, एसपी सिटी, एसएसपी बबलू कुमार, इन सब लोगों ने पूरा ध्यान से घटनास्थल निरीक्षण करके इस पूरी घटना का अनावरण किया है। 9 तारीख को दोपहर में निहाल रामनगर के हैं, उनके घर पर, जो ये सचिन का घर है उसके पास ही है, वहाँ पर ये सब लोग लड़के 8 लड़के इकट्ठे हुए थे, और ये लोग सिर्फ वहाँ बैठे हुए थे कमरे में, और उनके पास तमंचे थे 2। उन तमंचों के साथ ये लोग देख रहे थे। उसी दौरान प्रवीण नाम का एक लड़का है जो पकड़ा गया है, इसके हाथ में जो तमंचा था, इस तमंचे से गोली चली थी, जो गोली सचिन के मुंह से लगती हुई और गले में जाके फंसी थी। इस घटना के तत्काल बाद लोग, चूंकि ये सब जो अचानक गोली चली तो ये सब घबरा गए थे, और घबराने के बाद इन तत्काल इसको लेकर के ये गाड़ी में लेकर के अस्पताल पहुंचे हैं। पुलिस ने बीच में इनको रोका भी है कि क्या हुआ है, तो इन्होंने यही बताया वहां पर सबको कि सब छत से गिर गया था और इसको चोट आई है, इसको अस्पताल ले जा रहे हैं। इसके तत्काल घटना के बाद काफी सनसनी और काफी उत्तेजना यहाँ पे लोगों के बीच में थी। इसके बाद हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इंदु सिद्धार्थ हैं, CO CT 1 और SP CT, इन लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल से जितनी भी सबूत हमको प्राप्त हो सकते थे, उसमें जो ब्लड से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जो पलंग पे ब्लड लगा था और जमीन पर मिला था, और कपड़े जो थे जिससे पोछा गया था, वो सब चीजें वहां पे बरामद हुई। साथ ही साथ जो तमंचा, जिस तमंचे से गोली चली थी, उसमें कारतूस, जो कारतूस चला था, वो सब चीजें जो है वो घर से ही बरामद की हैं हमारी पुलिस की टीम ने, और इस बात में कोई शक या शुभा नहीं रह गया कि ये घटना आकस्मिक रूप से इनके साथ स्वयं ही हुई, और इसकी हत्या करने के लिए कोई बाहर से नहीं आया था।